गुड मॉर्निंग, जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि मेरी तबीयत आजकल कुछ सही नहीं चल रही थी, और आप लोगों को आवाज से लग रहा होगा कि आज भी मेरी तबीयत एकदम सही नहीं है, लेकिन फिर भी सारा दिन खाली बैठे या लेटने से नहीं कटता है। बहुत ज्यादा उलझन होती है, बस यही लगा रहता है कि कुछ काम करो कुछ काम करो तो टाइम पास हो जाए। तो हमने सोचा कि जो है आज आप लोगों के लिए रेसिपी से अलग हटकर कुछ जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो और देख रहे हैं कि मैंने एकदम हाफ कपड़े पहने हुए हैं, मौसम भी चेंज हो गया है, और दवाई खाने की वजह से गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो अभी कॉटन के या गर्मियों के कुछ कपड़े मतलब तो अभी गर्मियों वाले कपड़े जो कॉटन के हाफ कपड़े हैं वो सभी कपड़े अंदर रखे हुए हैं, अभी हमने बाहर नहीं निकाले हैं, क्योंकि एकदम से मौसम कभी कभी ठंडी होने लगती है, मौसम एकदम से बदल जाता है, कभी ठंड होने लगती है तो कभी गर्मी होने लगती, और हमें इस टाइम बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं दवाई खाने की वजह से, क्योंकि हम 2 दिन से लगातार बुखार की दवाई खा रहे हैं। तो बस एक ये स्टोल और ये कुर्ता मुझे बाहर मिल गया, तो मैंने ये वाला पहन लिया है, तब जाके मुझे कुछ हल्का सा आराम मिला है। तो आज हम आप लोगों के लिए खाने की कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हैं, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमारी जो ड्रेसिंग टेबल है उसको हम उसमें हम सामान कैसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे ड्रेसिंग का हाल कि बेटू ने इस पे क्या पेंटिंग बनाई हुई है। इसको मैंने पहले भी एक ब्लॉग में शेयर किया था, आप लोगों को दिखाया था, लेकिन बिल्कुल भी इसे साफ करने को मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने इसे बिल्कुल साफ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। बेटू चली जाती तो ये देखते हैं, तो देखते कि अपने आप में ही हंसी आने लगती थी। तो आप देखते हैं कि ये कैसे साफ होती है, इसको ऊपर भी साफ करना है और इसके अंदर का भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, इस तरीके से सामान भरा पड़ा है। तो सोचते हैं कि इनको जो है इस सामान को जो है किसी तरीके से अरेंज करके रखते हैं। उसके लिए हम ये बाजार से लाए थे 3 डलिया, अब देखते हैं इसमें से कितने में सामान आ जाता है अच्छे से, तो रखते हैं अरेंज करके। आप देख सकते हैं इसमें सामान कैसे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये सब जो है कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है ड्रेसिंग वगैरह में सामान रखने का, क्योंकि हमेशा से जो है सजावट का सामान या मतलब घर अरेंज करना या जो भी था, दिव्या जब से समझदार हो गई है वो अपने हिसाब से सारी चीजें रखती थी, तो अब जैसे मेरे समझ में आता वैसे हम रख लेते हैं। और वैसे भी हम लोगों के पास उस जमाने में बहुत ज्यादा मेकअप के सामान कहाँ होता था, थोड़ा सा ही होता था, वो हम लोग कहीं भी रख लेते थे। तो चलिए देखते हैं, जितना भी मेरी समझ में आएगा उस हिसाब से हम अच्छे से लगा के रखेंगे सामान। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो सामान है ड्रेसिंग में लगा हुआ है, इसको लेकर हमें आप लोगों से एक और बहुत अच्छी और बहुत जरूरी बात शेयर करनी है कि आप सोच सकते हैं कि जब बच्चे काबिल हो जाते हैं और तो कितना अच्छा लगता है, और खासकर लड़कियां, मतलब काबिल का मतलब ये है कि काबिलियत तो सबके अंदर होती है, लेकिन जब वो काबिलियत दिखने लगती है, बच्चों के अंदर दिखने लगती है और वो इतने काबिल हो जाते हैं ऊपर वाले की कृपा से, इतने काबिल हो जाते हैं कि हम ही नहीं मतलब और भी 4 लोग देखने वाले उनसे खुश होते हैं और मतलब उनकी तारीफ करते हैं, तो हमें वास्तव में लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा, हमारी बेटी या बेटा वास्तव में इतना काबिल हो गया है कि जो कि समाज में 4 लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो हमें पूरा यकीन हो जाता है। क्योंकि माँ का दिल एक ऐसा होता है ना कि माँ को तो अपने सारे बच्चे काबिल ही लगते हैं, वो कुछ भी हो लेकिन लगेंगे उन्हें काबिल ही। तो मुझे मेकअप की चीजों का बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है, मतलब कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पहले तो उस टाइम में इतनी सारी चीजें चलती नहीं थी, और जो कुछ चलती भी थी तो हम लोग अपने फेस पर मतलब बहुत सारी चीजें लगाने से डरते भी थे, क्योंकि कहीं खराब ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो हम लोग जो है ज्यादा चीजें यूज नहीं करते थे, बस फेयर एंड लवली कोई भी क्रीम लगा ली है, कोई सी भी लगा लेते थे, क्रीम ले ली, सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक और एक पाउडर, और बहुत ज्यादा हो गया तो एक डियो या सेंट ले लिया, बस इतने में सारा फुल मेकअप हो जाता था। तो मैंने कभी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फेशियल वगैरह भी नहीं कराया है, शायद एक दो बार कराया था, वो भी जबरदस्ती 4 लोगों के बीच में जब मैं फंस गई तब, और ना ही बहुत ज्यादा मैंने कभी मेकअप की सामान
ना ही मैंने कभी बहुत ज्यादा मेकअप का सामान खरीदा और ना ही यूज किया है। तो इतना सारा सामान देख के मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है, क्योंकि ये सारा सामान मेरी दिव्या, मेरी बिटिया की देन है। बस उसी की वजह से देखिए इतना सारा मना करते करते इतना सारा सामान नीचे रखा है, अभी आपको वो भी दिखाएंगे, जबकि ये उसके हिसाब से बहुत थोड़ा है। अरे मम्मी कुछ नहीं लगाती हो, कुछ नहीं रखती हो, लगाया करो, ये लगाया करो, वो सारा सामान उसने मुझे दिया है। और एक-एक चीज बताई भी है, मम्मी ऐसे लगाना, मम्मी वैसे लगाना, लेकिन ये हमने सब सजा के रखा है। बहुत खुशी होती है कसम से जब बच्चे काबिल हो जाते हैं और ढेर सारी चीजें जब लेके आते हैं, तो माँ के दिल को कितनी खुशी जो है मिलती है, ये तो मतलब जो भी माँ होगी वो समझ ही सकती हैं। इसके अंदर करके रख दिया है, इधर चूड़ियां भरी रखी हैं, दो चार डिब्बी रखी हैं, तो ये पहले से ही सेट था। तो बहुत सारा छोटा मोटा सामान इधर पड़ा हुआ है, इसको भी हम अरेंज करके कहीं रख देते हैं। और थोड़ी सी चूड़ी हम एक डोलची में करके, एक बास्केट में करके यहाँ पर रख लेते हैं, कभी कभार जैसे इमरजेंसी में अचानक से जल्दी से जो है पहननी पड़ जाती है, तो थोड़ी चूड़ियां हमने यहाँ पे करके रख ली है। अंदर सारी ड्रेसिंग साफ हो चुकी है और अरेंज हो गई है। अब इसको हम साफ करके देखते हैं, देखिए ये कैसे साफ होता है। उसके लिए हमने एक ये लिया है जूना, ये भी नया रखा है, और इसमें थोड़ा सा हम विम बार लगा के लाए कि देखिए बेटू की ये पेंटिंग कैसे साफ होगी। तो हमारी ड्रेसिंग पूरी साफ भी हो चुकी है और हमने सामान भी अरेंज कर दिया है। एक बार दिखाते हैं आप लोगों को। बेटू ने जो पेंटिंग बनाई थी वो भी एकदम साफ हो चुकी है। सामान भी हमने लगा के रख दिया है और बेटू ने जो पेंटिंग बनाई थी वो भी साफ हो गई है। तो हमारे ड्रेसिंग का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब हमें जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
कि मतलब हमारी ये ड्रेसिंग का आपका तो हमारी ये ड्रेसिंग का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।